मंत्री, ये सरकार पिछले एक साल से लगातार पेंशन लेट कर रही है, लेकिन पेंशन जो है ना समय पर ना मिलने के कारण 3 महीने से लगातार बीमार हूँ। इनके मोहल्ला क्लिनिक में बुखार की दवाई नहीं मिलती। इतना झूठ बोलते हैं, लेकिन इससे झूठा जो मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। भूखा तो है ये, अब नंगा भी हो गया बिल्कुल। दिल्ली का कोई भविष्य नहीं छोड़ा इसने। सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, फ्री कुछ है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेजतर्रार न्यूज चैनल में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर DTC से जितने भी लोग रिटायर हैं, आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ पर एक प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अब आखिर इन लोगों को सड़कों पर खड़ा क्यों होना पड़ा है, ये वजह मैं इन्हीं की जुबानी आपको सुनाना चाहूँगी। क्या नाम है? बाला दत्त, मैं DTC सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ। हम पिछले 3 महीने से लगातार संघर्ष में हैं। ये सरकार पिछले एक साल से लगातार पेंशन लेट कर रही है। जो जिनको पेंशन मिल रही है ऑलरेडी, ये नहीं कि कोई नई पेंशन मांग रहे हैं हम लोग, हमारी कोई नई डिमांड नहीं है। 25-30 वर्षों से जो पेंशन मिल रही थी लोगों को, वो पेंशन इस सरकार ने पिछले एक साल से लगातार डिले कर रखी है। कभी 3 महीना लेट करते हैं, कभी 4 महीना लेट करते हैं। हम लोगों का पैसा ऑलरेडी जमा है सरकार के पास, ये नहीं कि कोई हम नई पेंशन मांग रहे हैं। हमारा अपना 25-30 लाख रुपये अपना जमा है, उसके एवज में सरकार हमें पेंशन देती है। अगर ये उसी पैसे में से भी पेंशन दें तो हमारी 10 साल की, तो हमारे अपने पैसे से ही हमें पेंशन दे सकती है सरकार, लेकिन हमारे को पेंशन नहीं दी जा रही है। इसके लिए आज हमारे को 21,000 जो पेंशनर हैं, इसमें 8,000 हमारे विडोज हैं और 12,000 हमारे पेंशनर हैं। आज उन सब लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वो सभी लोग आज सड़कों पर है लगातार। कोई बुखार में है, कोई उससे अपने पैरों के दर्द से परेशान है, घुटनों के दर्द से परेशान है। उसके अलावा हमारे को कोई मेडिकल स्कीम भी नहीं है। कोई मेडिकल स्कीम होती है, आज सरकार दुनिया भर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग योजनाएं देती हैं, लेकिन हमारे लिए कोई मेडिकल स्कीम भी नहीं है। जिसकी वजह से अभी तक मैं आपको कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया है। आज अभी तक हमारे बीच में से 50 लोग ऐसे हैं जो कि बिना इलाज के अपना इलाज नहीं करा पाए, उस अभाव में, पैसे के अभाव में अपना जीवन गंवा चुके हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी जुड़ना चाहूंगी। आपका क्या नाम? राजकुमार दैया। तो आप सभी लोग जो है DTC में काम करते थे पहले और अभी सब रिटायर्ड? अभी 8 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए, लेकिन पेंशन जो है ना समय पर ना मिलने के कारण 3 महीने से लगातार बीमार हूँ। इनके मोहल्ला क्लिनिक में बुखार की दवाई नहीं मिलती। ये कौन से वाले में गए थे? ये मनसाराम पार्क रहता हूँ मैं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखो, एक भी अगर दवाई मिल जाए उसी में मैं गया। कुछ पर सरकार तो कहती है कि बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं, पर्ची दे, लेकिन यार ना मैं अभी पर्ची दिखाता आपको, होगी दवा दिखाता हूँ। कोई दवाई कुछ नहीं मिलती, कोई भी दवाई वहाँ पे दवाई नहीं है उसके हॉस्पिटल। झूठ बोलते हैं कि बहुत फर्स्ट क्लास बना रखा है। सिर्फ APC को गोली मिलती है और कुछ नहीं, कोई गोली नहीं मिलती। मुख्यमंत्री आज तक हमने नहीं देखा पूरे हिंदुस्तान में, कोई मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, लेकिन इससे झूठा जो मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। भूखा तो है ये, अब नंगा भी हो गया बिल्कुल। ऐसी झूठ बोलता है कि उसका जो है ना हाथ ना पैर। आगे जो है ना दिल्ली सरकार क्या करने जा रही है, कुछ नहीं करने जा रही है, इसका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली का कोई भविष्य नहीं छोड़ा इसने। सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, फ्री कुछ है नहीं। ठेकेदारों को पैसे देने के लिए हैं, जगह जगह काम चल रहे हैं, जगह जगह ठेकेदारों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन DTC को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। कितना समय हो गया आप लोगों को पेंशन नहीं मिली? मैं सुखवीर सैनी, अध्यक्ष DTC सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ। हमें लगभग 3रा महीना ये शुरू हो गया है बगैर पेंशन मिले। पीछे भी हमें 3 महीने की जुलाई के महीने में इकट्ठी दी थी, वो आंदोलन करने के बाद में हमने IP मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला, घेराव किया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया, तब जाके इन्होंने 3 महीने की पेंशन हमें दी थी और फिर 2-3 महीने दोबारा हो गए हैं। हम इस सरकार से ये मतलब उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमारी समस्याओं के बारे में चर्चा करे, विचार करे, बैठे हमारे साथ मीटिंग दे, लेकिन ना परिवहन मंत्री कोई मीटिंग देने के लिए तैयार, ना मुख्यमंत्री मीटिंग देने के लिए तैयार। अगर ये मीटिंग नहीं देंगे, कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो समाधान क्या होगा, कब होगा? तो इस जैसे कि आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि कई महीनों से आप लोगों की पेंशन नहीं आई, इसी तरह से अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो DTC में मार्शल तैनात है उनकी भी 5-5 महीने की सैलरी नहीं आई है। नहीं आई ना मार्शल की पेंशन सैलरी आई है, ना ही इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की DTC की पेंशन आ रही है।
कई लोग जो है इलाज के भाव में अपना जीवन गवा चुके हैं जो हमारे साथी हैं। इन्होंने ना तो कोई हमारी बात सुनता है, कोई समस्या हो सरकार की तो उन जिनको जिनका जो वो हक छीन रही है उनके साथ बात करे, वो बात भी कोई करने को तैयार नहीं है। जो मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम आम आदमी का की सरकार है, वो अब खास आदमी की सरकार हो चुकी है, वो हम लोगों को किसी की भी कोई बात ना सुन करके हमारे ही पैसे से अपना जो है स्विमिंग पूल बना रहा है। और एक तरफ वो कहते थे कि दिल्ली से भ्रष्टाचार को हटा देंगे और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आपकी सैलरी नहीं आ रही, आपकी पेंशन नहीं आ रही है, किसी की तनख्वाह नहीं आ रही, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इसने कोई प्लान बना रखा हो तो वो इस पर लागू क्यों ना कर रहा है। ऐसा कोई इसने प्लान बना रखा हो कि भाई जो है ना हर एम्प्लॉयज़ को सुविधा मिले, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी इससे खुश नहीं है, ऐसा ही वो सरकार चला रहा है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे डीटीसी हो, चाहे होमगार्ड हो या आंगनबाड़ी की तो बाद की बात है, जो मार्शल है डीटीसी में उनके परिवार लेडीज हैं उसमें 50% वे जो है ना भूखे मोहताज हो रहे हैं, भूख से जो है ना परेशान उनका परिवार, हर परिवार में 4 से 5 आदमी होते हैं और वो इसी का सहारा है, उनको सिर्फ 20-22 हज़ार रुपये से वो मिलती है तनख्वाह, वो भी नहीं मिलेगी 3-4 महीने से 5 महीने से। अभी हम मैडम इसके बाद में अभी 27/9/2023 को IP हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं जिसमें हज़ारों की संख्या रहेगी, और उसके बाद हम 1-1.5 घंटे के बाद में दिल्ली सचिवालय के लिए कूच करेंगे। आप भी आमंत्रित हैं उसमें, आप आइए। और ये सरकार क्या कर रही है दिल्ली को इसने क्या हालत कर दिया है दिल्ली का, इसके विषय में हम दिल्ली की जनता को बताने के लिए आज 5वें टर्मिनल पर हमने धरना प्रदर्शन किया है। हम सभी विधायकों को पहले लेटर लिख चुके हैं, सभी MPs को लेटर लिख चुके हैं, उसका कोई असर नहीं हुआ, उसका कोई असर नहीं हुआ है। केवल इतना हुआ कि सभी ने LG को चिट्ठियां लिखी, लेकिन हमारी LG से भी अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। हम जानना चाहूंगी आप जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो पेंशन के लिए इस तरह से तरस रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। 21,000 कर्मचारी जिसमें 8,000 विडो है, 13,000 फैमिली वो है, 21,000 आदमियों को इस तरह से आपको सड़कों पर आना पड़ रहा है इस उम्र में, आपने पूरी सेवा की है DTC में अपनी और इस तरह से आप तैनात थे। प्रोविडेंट फंड एम्प्लायर शेयर को DTC के पास में छोड़ करके हम पेंशन मांग ले रहे थे, जिसको केजरीवाल सरकार ने बिना कोई पत्र दिए बिना किसी कोई कारण बताए बंद कर रखा है। पिछले लगभग अक्टूबर के महीने से जो है ना, मैं आपको रिकॉर्ड पर जानकारी देता हूँ कि नवम्बर और दिसंबर की पेंशन जो है वो 17 और 18 जनवरी को दी इन्होंने, इसके बाद में जो है ना अप्रैल मई और जून की जो पेंशन थी वो 12, 13 और 17 जुलाई को इनके द्वारा दी गई, 3-3, 4-4 महीने। अब फिर 3 महीने की पेंशन जो है फिर दोबारा मतलब 3rd टाइम है ये इस 10 महीने के अंदर। अब कैसे गुजारा करेंगे, कोई मेडिकल स्कीम नहीं है किसी भी प्रकार के बारे में सरकार के द्वारा। अभी मेडिकल स्कीम के ऊपर जो है ना हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र जी ने संज्ञान लिया है और उन्होंने 19 तारीख की डेट दी, उसके ऊपर इन्होंने एक जवाब दे दिया कि दिस इज़ अवर पॉलिसी मैटर। पॉलिसी मैटर ये तो नहीं कहता ना कि हमारा जो DRT है 1950 का क्लोज सेक्शन 45 और 46 हमें ये अधिकार देता है कि सरकार के द्वारा घोषित सारे के सारे जो सुविधाएं हैं वो हम सब कर्मचारियों के ऊपर लागू होंगी, लेकिन ये हमारी कर्मचारियों के ही पैसों से मिलने वाली पेंशन का भी भुगतान नहीं कर रहा है, तनख्वाह नहीं दे रहा है लोगों को। DTC में भर्ती तो कर रहा है, आ जाओ भाई, प्राइवेट सारी की सारी बसें DTC में 2009 के बाद में कोई भी बस नहीं आई, कॉमनवेल्थ के बाद जो बसें अब चल रही हैं DTC की 3600-3500 जो बसें DTC की चल रही है वो लगभग सारी की सारी 2020-21 के अंदर अपनी आयु को पूरा कर चुकी है, और उनकी बसें ना लाने की एवज में उनको एक्सटेंशन 1-1 साल की दे रहे हैं, और उनका जो है ना AMC चार्ज जो 12 रुपये किलोमीटर 12.5 रुपये किलोमीटर पर ख़त्म हो गया था, आज 40-40, 50-50 रुपये किलोमीटर के उनसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों से पैसे दे करके खुद पैसे खा रहे हैं, क्योंकि सरकार को जो पैसा मिलेगा वो उसका तो हिसाब सरकार दे देगी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा कॉन्ट्रैक्टर से इधर पैसे देते हैं दूसरे हाथ उसके बाईपास लेकर के दूसरी स्टेटों के अंदर जो है ना अपने इलेक्शन के अंदर पैसा खर्च कर रहे हैं। इन्होंने ये पैसे की गड़बड़ी की जा रही है, आप दबा के गड़बड़ी की जा रही है पैसे की, मतलब ये बसें जो हमारी जो JVM के मातहत आ रही हैं जामनी रंग की बसें आ रही हैं, आप देखिएगा क्लस्टर की बसें लेकर के आए ये लोग, क्लस्टर की बसों में आप भी खुद सफ़र करते होंगे, वो कहीं जहाँ मर्जी यात्रियों को उतार देते हैं, डिपो चले जाते हैं, ट्रिप नहीं उठाते हैं,
कोई उनके लिए शिकायत की व्यवस्था नहीं, जबकि हमारे यहाँ पर जो है ना यात्रियों की सुविधा हेतु एक शिकायत केंद्र बनाया गया था। यात्री की कंप्लेंट जाती थी, उस पर सुनवाई होती थी, ड्राइवर कंडक्टर को पनिशमेंट किया जाता था जिससे उसमें भय बना रहता था। आज सबको भय मुक्त कर दिया इस सरकार ने, एक बहुत बड़ा है। अब जो दिल्ली जो पेंशन है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पेंशन रूल 1972 के तहत जो है सारे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की घोषणा सरकार द्वारा की गई, जिसको दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर डीटीसी में लागू करवाया। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि पेंशन तो लागू कर दी, लेकिन डीटीसी की मैनेजमेंट ने उस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं करवाया, जो कि इनकी कमी है, जिसकी सजा ये हमें दे रहे हैं। हम सारे 21,000 कर्मचारी मैनेजमेंट के की हुई गलतियों की सजा भोग रहे हैं। अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा अपनी गलतियों में सुधार करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से नोटिफिकेशन कराए, तो हमारी पेंशन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो हमारी यही मांग है कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर या यूनियन ऑफ इंडिया जिसने भी ये गलती कर रखी है, वो अपनी गलती में सुधार करते हुए हम 21,000 कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान करें। एक आखिरी सवाल और मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। मुझे ये बताइए, इस तरीके से जो आप लोगों को रोड पर उतरना पड़ रहा है, धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं अपने ही हक की मांग के लिए, लग रहा है आपको कहीं ना कहीं ये कारगर साबित हो पाएगा? ऐसा है जी, हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास 20-20 लाख जमा है, और जिसकी वजह से हमारे को पेंशन नहीं दे रहे हैं, उसके हिसाब से पैसे हमारे को पेंशन मिलती है। 3-3, 4-4 महीने हो गए पेंशन नहीं मिल रही हमारे को। हम परेशान हैं हर एक बात में। अपनी तनख्वाहें तो केजरीवाल ने बढ़ा दी हैं सारी, MLO की तनख्वाहें बढ़ा रखी हैं, निगम पार्षदों की बढ़ा रखी हैं, और हमारा सीनियर सिटीजनों की पेंशन जो है रोक रखा है। परेशान हो रहे हैं, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 60 साल का है, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा पैसा और हमारे को पेंशन नहीं मिल रही है, ये बहुत घोर न्याय हो रहा है हमारे साथ। हाँ जी, ये जो चीज़ें हैं मैडम, आज हमारे को सरकार भटका रही है जानबूझ करके। हमारे को इन्होंने ट्रांसपोर्ट में, वित्त मंत्रालय में और DTC में उलझा रखा है। एक कहता है दूसरी गलती है, दूसरा कहता है तीसरी गलती है। गलती किसी की भी हो, हम तो कहते हैं जिसकी भी गलती है, जिस अधिकारी ने भी गलती की है उसको पनिशमेंट दो, उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करो, ठीक है, सीधे सीधे। आज सरकार कहती है कॉर्पस फंड बनाओ, ये करो वो करो, जो भी चीज़ें सरकार करें ना, सरकार के एंड पर हैं। हमारा तो पैसा सरकार के पास जमा है, हमारा क्या कसूर है? कम से कम 20-25 लाख रुपया हम लोगों का जमा है सरकार के पास, और उसके बाद भी हमें पेंशन नहीं मिल रही है। और आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे यहाँ से दूसरे स्टेटों में चले गए हैं, हिमाचल में चले गए हैं, केरला में चले गए हैं, उत्तराखंड में चले गए हैं। उन्होंने जब रिटायर हुए 10-12 साल का जो उनका पैसा था उन्होंने गाँव में लगा दिया। आज वो मेरे को बार बार फ़ोन करके कहते हैं कि हम इतने परेशान हैं, वो अपने बच्चों का इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं, और बुजुर्ग हैं अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इस सरकार के लिए इससे बड़ी बद्दुआएं कोई और हो नहीं सकती है। आज हर एक की जो अंदर से आत्मा से बद्दुआ निकल रही है इस सरकार के लिए। इस सरकार को जल्दी जल्दी समाधान करना चाहिए। मैं आपके चैनल्स का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को कवर किया, धन्यवाद आपको। देखिए यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, आप इनकी उम्र देख सकते हैं किस तरह से इस उम्र में इन लोगों को रोड पर आना पड़ रहा है, वो भी अपनी ही आवाज़ को, अपनी ही मांग को इस तरह से बुलंद करने के लिए जब लोगों को रोड पर आना पड़े। और ये वही लोग हैं जो हमारे लिए सेवा करते हैं, DTC के कर्मचारी रह चुके हैं, सभी फिलहाल रिटायर्ड हैं, और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि तकरीबन इनके जैसे 21,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो इस वक्त पेंशन के लिए तरस रहे हैं, अपना ही पैसा वापस लेने के लिए तरस रहे हैं। पेंशन लेट आ रही है और पेंशन को लेकर भी कई जो मसले हैं वो यहाँ पर पेंडिंग है, आपके सामने ही हैं। और इसको लेकर ये सीधे तौर पर जो है केजरीवाल सरकार को यहाँ पर जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि इस तरह से सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, बेवजह के मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जाता है, बेवजह के मुद्दों को तूल दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जनता परेशान है, जिस तरह से इन मामलों को देखना चाहिए वो वहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा है। पूरा मामला आपको दिखाया गया है, पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप